ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय। एक बात, आज दिन भर 20-25 कुंडली देखने के बाद, फोन अटेंड करने के बाद ये समझ में आया, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स अब तक ये नहीं समझ पाए कि करियर हाउस का प्रॉब्लम क्या है और करियर के लिए आप लोग ज्यादा चिंतित और व्यतिग्रस्त हो। इसके लिए मैं तीन तरह वीडियो पूरा समझाया, एग्जैक्टली इसके बारे में बनाया, लेकिन आप लोग शायद मेरा बात नहीं समझ पाए। सभी का हालत वही है, तो मैं इसका थोड़ा सा और क्लारिफिकेशन आपको कर दूं, इसलिए इसको बनाया। और इसके साथ जिनका क्वेश्चन था कि दिसंबर 2023 से लेके 25 तक शनि मकर राशि के लिए क्या देने करने वाले हैं, यार सबसे ज्यादा वीडियो इसी में है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, दो पार्ट बनाना था, लेकिन पहला पार्ट है करियर हाउस। मकर राशि का करियर हाउस तुला राशि, राहु का एस्पेक्ट आ रहा है और यहां से शनि का एस्पेक्ट आ रहा है। शनि का एस्पेक्ट ठीक है, अब तक कुछ ना कुछ हैंड टू माउथ रोटी आपका करियर को बचा के रखे हैं अपने उच्च स्थान को देख के, क्लियर। ये कितना भी दोनों राहु केतु नौटंकी करें, शनि बाबा का करियर में कंट्रोल है, उच्च दृष्टि है। और जब ये आगे कुंभ में जाएंगे तो नीच दृष्टि में राहु को देखेंगे, ये ब्रेकआउट होगा। अब ये घर सबसे ज्यादा पीड़ित क्यों है, तुला सबसे ज्यादा पीड़ित क्यों है, बार बार बोला हूं, अगर आप लोग सब जानकार हो, एक भी मुझे नहीं लगता है जो लोग सब्सक्राइब किए हो, थोड़ा सा भी कमजोर पार्टी हो, सब जानने वाले, जितने भी कुंडली देखता हूं आधा मेरे को ही पाठ पढ़ाते हो आप लोग, ठीक है, मतलब मुझे ही क्लास कर लेते हो, तो मैं हाँ हाँ ठीक बात है, आप आपसे भी मिलता है सीखने के लिए, ऐसा तो छोटा बच्चा भी मूर्ख नहीं होता है, और मैं सबसे सीखता हूं सर। तो इसमें जैसे सुबह हर वीडियो में थोड़ा बहुत कहानी बता देता हूं, रांची कभी कोई गया है तो देखना, अभी कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं पता, मेरा गुरु बोले थे तो गुरु तो झूठ नहीं बोलेंगे, मेरा एक्यूप्रेशर का गुरु बागड़िया जी हैं रांची वाले, अभी नहीं है शरीर में, सत्य छोड़ दी, वो आए थे हम लोगों का क्लास कर रहे थे, बोले रांची में एक बार क्या हुआ, एक उस समय रांची झारखंड में नहीं था, बिहार ही था, तो एक बस आया, बस के ऊपर बहुत सारा सामान लोड था, वो जो ब्रिज में जाके फंस गया, ना आगे जाए ना पीछे जाए, गाड़ी लटका हुआ है। तब तक सब जितने गाड़ी के पैसेंजर थे उतर गए, दिमाग लगा रहे हैं कौन का, सब इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े विज्ञ बुद्धिजीवी सब बैठे हैं, तो अच्छा ये क्या खा रहा हूं, सौंफ धनिया यार इलायची, मुंह दिन भर बात कर करके थक जाते हैं ना, तो खाते हैं थोड़ा सा सौंफ धनिया इलायची लौंग काली मिर्च थोड़ा। आप सोचो सुबह से अभी तक चल ही रहा है मेरा तो कुंडली चर्च का काम चल रहा है, इतने सारे लोग तो सबको तो देखना पड़ेगा, तो सबको आइडिया दे रहा है, कोई बोल रहा है बस को बीच से काट दो फिर निकल जाएगा फिर होल्डिंग कर देंगे, कोई बोलता है जितना सामान है उसमें आग लगा दो, कोई आइडिया दे रहा है कि ब्रिज में डायनामाइट लगा के उड़ा दो, अब
बिहार के हैं यार, बुद्धि तो ज्यादा हो गई, एक बिहारी सौंपे भारी, आइडिया तो बहुत है। कोई बोलता है कि पेलेडर डोजर लाओ और बस को मारते हुए निकालो, जो होगा देखा जाएगा। सब अपना अपना, कोई बोलता है सामान निकालो, तो जाके सामान चढ़ के निकालते हैं तो निकलता नहीं, अटैची है और उस समय जैसे जैसे सब लगेज पड़ा हुआ है, निकल नहीं रहा है। इतने में किसी का भेजा काम नहीं कर रहा है, 2 घंटा गाड़ी वहां लटका हुआ है, ना आगे जाए ना पीछे जाए, छोटा सा बच्चा फुदक फुदक के आ गया, बोला मैं निकाल दूंगा, तो वो ड्राइवर उठा निकाल देगा। तब तक वहां एक बुद्धिजीवी है, ऐसा नहीं, हो सकता है उसके दिमाग में कोई आइडिया हो, बात नहीं, मेरे को बिस्कुट दो, चॉकलेट दो, ब्रेड पारोटी, पारोटी बोलते हैं उधर झारखंड में, वो दो। तो बोले झूठा लोग है, ऐसे ही घूम घाम के आगे मांग लेता है। तो बच्चा बोला ठीक है हम देंगे, नहीं पहले दो हम खाएंगे, तो दे दिया, खा लिया। हाँ, कि वो छोटा सा बच्चा था, छलांग मार के एक कोई वहां मोहतरमा थी, उसका पिन होता है ना हेयर पिन, उसको निकाला, चारों चक्का में हवा खुल दिया, गाड़ी दब गया, बोला अब निकालो जाओ आगे हवा भर देना। तो छोटा सा बच्चा का इतना ज्ञान, तो सीखना तो सबसे है, आप महानुभाव से भी सीखना है, इसमें कोई समस्या नहीं है, सीखना तो है। तो ऐसा है, आप सभी सीखते हैं, इसलिए बोला। तो तुला राशि कैसे पीड़ित है, तुला राशि से छठा में गुरु बृहस्पति षडाष्टक बनाए हुए हैं, और जब तक ये घर से षडाष्टक बन रहा है, आप बताओ पॉजिटिव ऊर्जा या नेगेटिव आएगा, वहां तक भी ठीक था। मंगल यहां से अष्टम में ये भी षडाष्टक बनाते हुए है, खुद केतुदेव यहां बैठे हैं, राहु का दृष्टि है, शनि का दृष्टि है। अब आपको कहना यह है कि करियर काम नहीं हो रहा है, कोई एक भी शुभ ग्रह का सपोर्ट है क्या यहां, नहीं है। आगे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। कब तक, मंगल क्लियर समझा रहा हूं, समझिए, मंगल मार्च महीना में ये घर छोड़ेगा, यहां से षडाष्टक का कटेगा, अप्रैल में गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्च और अप्रैल तक यहां से कोई शुभ फल का संभावना नहीं है। फिर आप तो बोले कि सर ये जनवरी से थोड़ा अच्छा होगा, हाँ होगा ना, लोग कैसे, शनि बाबा कुंभ में जाएंगे, यहां एस्पेक्ट और आएगा नहीं, राहु के पास आएगा, राहु इसको देख रहा है, फिल्टर लगा देंगे शनि बाबा राहु के ऊपर, जब शनि का एस्पेक्ट जाता है तो राहु पीड़ित होता है नेचुरली। अच्छा, वहां नीच दृष्टि भी जाएगा, कोई अच्छा दृष्टि तो नहीं जाने वाला है। तब ये राहु यहां, इसके ऊपर जो पावरफुल में अभी बलि कन्वर्ट कर रहा है वो उधर लटक गया, फिल्टर हो गया, आभास देगा। अभी केतु क्या होगा, ब्रेकआउट, ब्रेकलेस, कोई कंट्रोलर नहीं, तो फिर क्या सुफल मिलेगा। अरे महाराज, केत छुड़ाए खेत, बार बार चार वीडियो में बोल चुका हूं, केतु यहां कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी लाके दे सकता है, सडन गारंटी नहीं है। यहां पर बहुत लंबा वीडियो बनाया स्वाति नक्षत्र में केतु का, देख लीजिएगा बढ़िया से, शायद सब जितने सारे यूट्यूबर हैं सबसे लंबा वीडियो शायद मेरा हो, मेरे बाद में और कोई लंबा बनाया होगा, होगा उस टाइम जो उसमें सबसे बड़ा लंबा मेरा था, पूरा व्याख्यान दिया था एक एक बिंदु के ऊपर। तो फिर भी आप अगर कहें कि ये अच्छा रिजल्ट दे देगा, बहुत मकर वालों का ट्रांसफर, जॉब डिसमिस, लेकिन ट्रांसफर हुआ है तो प्रमोशन दे के हुआ है, मैं उदाहरण दिया था, राउरकेला से जाके जम्मू में पड़ा हुआ है यही। दूसरा क्या था बताता हूं, यहां से
डिसमिस कराएगा लेकिन फिर नया अपॉर्चुनिटीज भी देगा, ये भी लिख लो। दुखी होने का कोई विषय नहीं है यहां, दुखी होने का कोई विषय नहीं है। और ये इधर मार्च, इधर अप्रैल, तो मार्च अप्रैल नहीं हो तो ये फ्री आउट होगा। चलो भले यहां पर राहु और केतु के साथ, राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग बनेगा, लेकिन गुरु का एस्पेक्ट तो आएगा। राहु यहां नवंबर में इधर भागेंगे, नवंबर में इधर भागेंगे, अक्टूबर लास्ट, नवंबर में गुरु यहां अकेले रहेंगे। हाँ, नवंबर का तरफ तो इधर सूर्य शुक्र आगे होंगे ना, अभी नवंबर चल रहा है, सूर्य शुक्र यहां है, सूर्य शुक्र बुद्ध इधर इधर ही घूम रहे हैं ना, तो यहां गुरु अकेले रहेंगे। तब आप बोलना कि करियर का मतलब क्या, कंप्लीट फ्री फ्लो का बात अगर कहा जाए, उससे पूर्व चिंता मत करो। बोले रेमेडी क्या करें, केतु का रेमेडी, हाँ जिन बोले अभी क्या करें सर बहुत प्रॉब्लम, नहीं यहां जनवरी 17 के बाद एक ऑटोमेटिक चेक कंट्रोल आएगा, केतु आध्यात्मिक ग्रह है, सडन देते हैं तो आएगा, लेकिन ये हाउस अभी राहु केतु का एक्सिस में होने के कारण भ्रम, भय, भूल, भटकाव, भूत, भकवा कराएगा। तो आप अगर करियर अभी कोई नौकरी है और बोलेगा यहां पेमेंट अच्छा नहीं रहा है, मिलके और कहीं भागेंगे, तो फिर खाने का लाले भी डाल सकता है। तो अभी जब भी राहु केतु एक्सिस में कोई भी घर आ जाए, डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इंतजार कर जाओ। इतना दिन इंतजार किया, 5 साल दुख भोग लिया, और 2-3 महीना दुख भोगने के लिए, मास तक दुख भोगने के लिए क्या चिंता है। नहीं हमको तो कुछ बताइए, अभी आ जाएगा, ठीक। केतु माने झंडा, घर के ऊपर झंडा लगाओ प्रतिदिन, नित्य आपका जो भी इष्ट देवी इष्ट देवता है झंडा का पूजा करो, संभव तो फल दे दे। दूसरा परेशान है यार, दूसरा है हम लोग इधर भेड़, भेड़ समझते हो, भेड़ा, बड़े बड़े बाल होते हैं, मेंढा आप लोग क्या बोलते हो नहीं होता, बकरा बकरी नहीं, भेड़ा, दाढ़ी होगा मेल वाला, उसका दान करते हैं, ये सॉलिड रिजल्ट देता है। तीसरा जरूरे किसी का बहुत है, तो इसका शांति हेतु रुद्राभिषेक। नहीं जो लोग पहले से कुत्ता इत्यादि का सेवा करते करते, यार स्ट्रीट डॉग पालने वाला डॉग नहीं, स्ट्रीट डॉग का अगर सेवा कर रहे हो तो कुछ उत्तम फल मिल सकता है। क्लियर हो गया? तो अभी बहुत अच्छा, चलिए ये तो राशि फल के हिसाब में बता दिया कि राशि से ये परिस्थिति चल रहा है, ठीक है। अगर इसका नक्षत्र को भी स्टडी कर लोगे, कौन कौन यहां पर है, चित्रा, स्वाति, विशाखा, तो चित्रा नक्षत्र मंगल का हो गया, मंगल और राहु का, स्वाति आद्रा और विशाखा गुरु का, ये तीन को टारगेट बना लो, ये तीन टारगेट हो गए, तो तीनों नक्षत्र यहां से, तो सबसे पहले गिनते हैं उत्तराषाढ़ से, तो उत्तराषाढ़ से अगर मंगल का नक्षत्र तक गिनते हैं तो यहां वही मिल जा रहा है मंगल का और इसका जन्म संपद विपद। चित्रा किसका हो गया, मंगल का, कैरियर हाउस, उत्तराषाढ़ा वालों का विपद जोन में है तो कहां से अच्छा देगा, क्रॉस कर लो एक क्रॉस, ठीक है। तो जितने भी उत्तराषाढ़ा है एक पार्ट तो गया, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। यहां से सतभिषा राहु का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा, ये भी मिड में है, मतलब ऐसे काउंट में इसको क्या बोलेंगे, नो प्लस नो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, ना अच्छा ना बुरा, धनिष्ठा का जन्म नक्षत्र में।
तीनों मकर वालों के लिए पॉजिटिव कहीं से नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, श्रवणा नक्षत्र का करियर का नक्षत्र, करियर से नक्षत्र एनर्जी क्या मिलेगा। जन्म संपद, हाँ संपद है, गुड हो गया, एक टिक ले लो। श्रवणा नक्षत्र के लिए स्वाति नक्षत्र जोन, मतलब इसी हाउस का जोन, एक क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिला, जन्म संपद विपद। धनिष्ठा के लिए ऑलरेडी जन्म तारा में है तो एक, चांसेस बहुत कम। आगे उत्तराषाढ़ा श्रवण आ गया, धनिष्ठा जन्म संपद, जन्म ये चित्रा, जन्म संपद विपद। तो यहां पर धनिष्ठा के लिए दो नंबर मिल रहा है, तो नंबर तो कम है, नंबर कम है, राशि के अनुसार भी पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, नक्षत्र के अनुसार भी पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, नंबर कम है। दिसंबर महीना का भी यही हालत है, लेकिन जिसको करियर का इस दिसंबर महीना में या आने वाला ये मार्च अप्रैल मई तक, जून तक पॉजिटिव फल लेना है, और चाहते हो कि नहीं हमारा करियर कहीं से लग जाए, कुछ बता दीजिए, तो बता दिया झंडा पूजा, रुद्राभिषेक, तीसरा बिंदु पीपल गच का सिंचन, चौथा कुत्ता का, जितने स्ट्रीट डॉग है उनका सेवा, उनको रोटी वगैरह देना, तो ये शांत होगा तो आपका रास्ता खुल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मिलेगा तो जरूर, यहां से भी मिलेगा, ये भी दिखा रहा है यहां से भी, लेकिन बाधा विघ्न और भ्रम भूल भटकाव के साथ। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अभी बाबू तनि मत हड़बड़ाओ, जो जहां हो वहां लटक के रहो, जिसका नहीं है वो प्रयास करो, नो प्रॉब्लम, कर्म करने में मना नहीं है, लेकिन जिसका है अभी निर्णय, ये जो करियर के बारे में और ये भूमि भवन वाहन के बारे में निर्णय मत लीजिए, धोखा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लॉस के सिवा कुछ नहीं होने वाला है, क्लियर क्लियर साफ साफ दिख रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे नहीं दिख रहा है। तो हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखो, अच्छा जोन आ जाएगा। और मैं तीन जोन में बोल रहा हूं, पहला जोन क्या बोला कि भाई ये 23-24 को ये अच्छा होगा, क्यों, मार्गी होंगे तो अच्छा होगा, अच्छा होगा बोला, अपॉर्चुनिटीज देगा बोला। दूसरा क्या बोला, जनवरी 17 का इंतजार करो, आभास हो जाएगा कि करियर सुधरने वाला है। तीसरा क्या बोला, मार्च को ये और अप्रैल को ये, तो मार्च अप्रैल तक यहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कंक्रीट बेस्ट सस्टेनेबल स्टेबल होने के लिए नवंबर का पूरा इंतजार चाहिए, यानी अक्टूबर 30 के बाद आप यहां से रिजल्ट पाओगे। इसका मतलब मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, यहां दिखा रहा है ना, 2-11 दिखा रहा है, 2 टिक दिखा रहा है, 1 टिक दिखा रहा है, 1 के लिए सब माइनस दिखा, सबके लिए बराबर रिजल्ट नहीं है दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल मई जून तक। और ये पूरा फल 2023 नवंबर तक अबाउट करियर फ्रॉम मकर राशि, करियर का बात अगर कहें, और इसी मकर राशि को इसी में अगर पूरा बात बता दें, मकर राशि 2023 आपका धन का स्थिति कैसा रहेगा, शनि बाबा आएंगे तो गुड रहेगा। 2023 क्या, 2000 अगर 25 का भी अकाउंटेबिलिटी निकालते हो तो यहां से फिर जब शनि बाबा नक्षत्र चेंज कर लेंगे तो आप लोगों के लिए फिर पॉजिटिव जोन पे गए, तो जन्म संपद विपद, आखिरी नक्षत्र अखित नक्षत्र वालों के लिए प्रॉब्लम है। तो कितना टीक आ रहा है, 1-2-3 का, 1-2-3 यही सेम काउंट निकल रहा है, तो अच्छा ही तो है। अब क्या 100-100 अच्छा सब हो जाए बोले बिना मेहनत का, प्रयास नहीं करें और नहीं हो जाएगा, नहीं, प्रयास करिए मिलेगा बोल रहा हूं, बाधा आएगा, विघ्न आएगा, एनर्जी बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन प्रयास करोगे, जाओगे, जूझोगे, भिड़ोगे तो पाओगे। और इसका सपोर्ट के लिए आपको आध्यात्मिक शक्ति के लिए मैं साधना बता दिया हूं, इनको करने से ये इसका जो भी नेगेटिव मेलिफिक ऊर्जा है न्यूट्रल होगा,
आपको अच्छा फल मिलेगा। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, टेंशन नहीं होना, नहीं होगा ऐसा शब्द नहीं लगाया, अरे बेकार छोड़ दो ऐसा शब्द नहीं लगाया, होगा लेकिन ये बाधा दे रहा है और इसका रेमेडी करो। नहीं करोगे बोलोगे नहीं होगा, हम घर में बैठे हैं, हम नहीं जानते पूजा पाठ, हम नहीं जानते पाठ करना। केतु का शांति के लिए सिंपल 10 ठो दुबा का घास लेके गणेश गणपति को दे दो, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करो, नहीं तो गणपति मंत्र का जाप करो, मिलेगा यार, 100% होगा। यही तो कह रहे हैं कि भाई ये ऊर्जा है इसे शांत कर दो, इसको न्यूट्रल कर दो, आपको मिल जाएगा, ये कहना है। मैं ये पढ़ाया, ये बताया कि ये कंडीशन बन रहा है और ये कंडीशन का अगर आप रेमेडी कर दोगे समाधान होगा, इतना बात है। नहीं नहीं होगा तो, नहीं होगा तो फिर हम क्या करें, हम तो देख देखते आ रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उसका हो रहा है, आपका कैसा नहीं होगा, होगा। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत लो, कंडीशन इज देयर वल्नरेबल, लेकिन आप अगर थोड़ा प्रयास करोगे और साथ में ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल पावर, कल क्या बोला था, प्रार्थना और पुरुषार्थ, तो सबसे पहले क्या करना है, पुरुषार्थ चेष्टा करिए फिर प्रार्थना करिए तो मिलेगा, बनेगा, अच्छा बनेगा। नेगेटिव कंडीशन में भी आपको संभालना है, आपका हैंडल संभालना है। समंदर में जा रहे हो सीप लेके, बोट लेके, स्पीड बोट लेके और बहुत बवंडर हुआ, कंट्रोल दैट, और उसके लिए ताकत चाहिए, तो यही कह रहे हैं, कर लोगे तो हो जाएगा। और ये अप टू 25 तक का अगर बात करेंगे तो यहां पूरा 25 आपको शुभ फल नहीं दे देगा, लास्ट जोन कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या देगा, लेकिन वहां से उभार के भी ले लेगा। और पूरा 2025 तक ये समझ लेना कि मन में कहीं ना कहीं शोक रहेगा। सेकंड शनि का बहुत सारा फल बोला जा सकता है, हम बोल देंगे है लंबा लंबा फल, मकसद वो नहीं है, सब अच्छा ही होगा। हाँ ये ठीक है, वाणी में कटुता आएगा, रहोगे रहोगे, किसी को ऐसा बोल दिया उसका जिंदगी तक भुला नहीं सकता हो, तो वाणी में कंट्रोल रखना अप टू 2025। 2025 में वाणी में ऐसा दम आ जाएगा, किसी को जो बोलोगे वही हो जाएगा, ऑटोमेटिक को ताकत आ जाता है, वाणी सिद्धि ये दे देता है प्लैनेट, और ज्यों ज्यों ऊर्जावान होगा तो वाणी सिद्धि आएगा। दूसरा, शनि में जाने से आपको जन्म स्थान से विच्छेद भी कर सकता है, संभावना बहुत है, कभी भी हो सकता है ये 2023 से 25 तक, आपको मन में घर में रहने का मन भी नहीं करेगा। शनि जहां बैठता है उसको बढ़ाता है, हाँ तो यहां धन के स्थान में आके धन बढ़ाएगा, नेचुरल है, धन का कमी दूर करेगा, ये अति प्राकृतिक है, बारिश करके रख देगा धन, परिवार में बैठेगा परिवार को भी बढ़ाएगा, यानी संतति भी दे सकता है, या परिवार का, आपका परिवार बाकी लोगों का एक्सटेंशन भी हो सकता है, खाली पॉजिटिव मत लें, आपका परिवार भाग होकर दूसरा घर में जा सकते हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव कहा जाएगा तो मुंह के ऊपर कई प्रकार के इन्फेक्शन और डिजीज का भी संभावना है, वहां से जितना दूर समझना है समझ लो, इसलिए उसका वीडियो बना दिया सुबह आज, जिनके अंदर में संभावना है, लेकिन उतना ज्यादा चांस नहीं होगा जब तक आपके दशा अंतरदशा सपोर्ट नहीं करता है। मकर राशि का 2023 से 25 का बात कर रहा हूं, और यहां मैं राशि पर, राशि से जब यहां गोचर करेगा कुंभ में, तो मकर का कुंभ से बात का है, तो दूसरा में रह के दूसरा का हर कारकत्व को बढ़ाएगा, वाणी में मैच्योरिटी देगा, अभी जो जिसको जो जैसा जिसको जो जो बोल दे रहे हो ना, वो बोलना नहीं पड़ेगा, क्लियर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे फोन आते हैं, क्या कर, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने व्यस्तता नहीं दिखा रहा हूं, है नेचुरल चीज है। अच्छा ये धन के बारे में तो भूल जाओ, आएगा ही आएगा, अच्छा बोले नहीं आया तो सब ठोको जाके नहीं आया तो अरे कैसे नहीं आएगा यार, शनि बैठा है नहीं आएगा। अच्छा आपका कुंडली में अगर शनि पीड़ित है, शनि का कोई समस्या है, कुंडली दिखाओ, आएगा या नहीं चेक करवाओ, हमसे नहीं, आपके आसपास बहुत ज्योतिष है, जरूरी नहीं है हमें, केवल हम कितनों को देखेंगे, 6,500 सब्सक्राइब पार हो रहा है, इतने सारे लोग कनेक्शन कर रहे हैं, पेंडिंग चल रहा है, 200 का लिस्ट पीछे चल रहे हैं, 5 दिन आगे का डेट दे रहे हैं, थोड़ी ना दिखा दें इतना सारा, पॉसिबल नहीं है, आपने दिखाओ बहुत सारे, ऐसा नहीं कि हम खाली 30 मार्क,
सब पंडित हैं, सब विज्ञ हैं, आप भी थोड़ा कोशिश करोगे समझ जाओगे, बड़ा बात नहीं है। जैसे जैसे नक्षत्र में जाएगा ऐसे ऐसे काम को कराएगा। मैं बताऊंगा ये धनिष्ठा नक्षत्र का, देखिए सबसे लंबा वीडियो मेरा होगा पूरा यूट्यूबर से, क्योंकि सबको 7 मिनट का पैसा कमाना है। मेरे को 7 मिनट का वीडियो नहीं, पूरा एकदम डिटेल कर दो ताकि आदमी को थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं रहे इस विषय में। इसलिए इतना लंबा बजर बजर होके मुंह दर, अभी सोचो सुबह से अभी शाम हो गया, कुंडली देख देख के मुंह थक गया। लेकिन जब सबसे पता चला, अब वो यूएसए वाला भी बोल रहे कैसे ऐसे। महाराज यूएसए वाले आप धन्यवाद, आप मेरा देखते हो वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये उसका सूत्र है। आप बोले एक तरफ बोलते हो केतु दुख देगा, एक तरफ बोलते हो केतु अच्छा, केतु आपके लग्न में बैठा है आपके लिए बहुत बढ़िया है, जी लिया है, बस 62 साल केतु को जिए हो, अब केतु कहां बुरा करेगा। लेकिन मैं गोचर का केतु का बात कर रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी, अच्छा ही है, बुरा नहीं है कहीं भी। मैं कह रहा हूं ये रेमेडी करोगे तो ठीक हो जाए। इतना बिना फालतू का मुंह फाड़ रहा हूं, 2 लाइन में बता के तो ओवर करना था, 7 मिनट का वीडियो होता, क्या फल देगा। चलो पराक्रम कैसा रहेगा, अप्रैल तक चिंता नहीं है। क्या अप्रैल के बाद घटेगा? नहीं घटेगा। फिर क्या होगा? नवंबर, अरे तीसरा में आपका राहु आएगा, 1.5 साल तक रहेगा, पहुंचा देगा एकदम आसपास 2024-25 तक का। कहां का पराक्रम? अंडसन पराक्रम बढ़ेगा एकदम, दबंगाई देखना, बुरा दबंगाई होने से तो मारपीट जेल नहीं। गुरु के घर में कोई प्लांट बदमाशी नहीं कर सकता। एक राजा के घर में, एक गुरु के घर में कोई भी आ जाए, हम गुरु के घर जाते हैं ना, तो कितना भी ज्ञानी हो नहीं ना जानते हैं गुरु जी। हाँ ठीक, बैठो बैठो जी गुरु जी, कारे आचार्य आचार्य बोलता है, रे तुम गुरु जी बन गया, बड़ा यूट्यूब हो गया है, बैठो जी गुरु जी, हई पिलाओ चाय। हम चाय नहीं, बात बुढ़बक चाय नहीं पीता, गुरु के घर में आए जोहर देंगे तो भी खाएगा, समझो न जी गुरु जी। ठीक है, कोई भी गुरु के घर में नौटंकी नहीं, पूरा सहमा हुआ, ठीक है। तो यहाँ राहु नौटंकी नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई बैड रिजल्ट नहीं देगा यहाँ तो। और आप देखना ये जो 23-25 तक के अंदर राहु ही आपके लिए गोल्डन प्लैनेट बनने वाला है। काहे बनेगा, ऐसा क्यों है? अरे आपका कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा, अनसन लोग से सहायता दिलवाएगा, फॉरेनर से सहायता करवाएगा, यहाँ टूर बढ़ा देगा बिना फालतू का, एकदम इधर चलिए उधर चलिए, जितने सारे जो भी आपके काम है उसको एक्सटेंशन करके रख देगा, मोबाइल इंटरनेट से पैसा ला के देगा। हाँ तो 2 तो आपके लिए मास्टर प्लैनेट हो रहे। आप तो बोल रहे थे सारपीत दोष होगा, तेरी भला हो जाए, 25 का बात कर रहा हूं, तुम कहां 26 के इधर भाग रहे हो, आने दो टाइम, अभी काहे चिंता है, बड़ा आगे एकदम त्रिकालदर्शी, काहे आगे देख रहे हो गया। चतुर्थ, नवंबर के बाद शुभ फल ले लेना, भूमि भवन वाहन इत्यादि। राहु बैठा है मत लो, अभी मंगल के घर में बैठा है, अभी नहीं, ठहरो जरा, अभी यहां नौटंगी नहीं करना है। कहां? भूमि भवन वाहन मन मां समझ जाओ, नहीं तो नहीं करना। कर भी लेते जो, लेकिन इसके आगे मंगलू तो अभी नहीं। अब क्या कहें, लभुआ ये भूल जाओ, मार्च तक ये लबरा लबरी लभुआ का बात कह रहे हो, वो भूले भूलवे जाओ आप, वही है। हम सिंदूर लेके खड़े थे, राखी बांध के चली गई, कौनो नहीं होने वाला है, कोशिशें करके देखो एकदम, और ताव खाओगे बेटा। हाँ आ जाया था 2-3 फोन ऐसे ही, का करें गुरु जी छोड़ के भाग गई, तो का करें क्या करें, गोइल पानी भोई में भूलो जाओ अभी। अरे इसके बाद अपॉर्चुनिटी आएगा ना, मंगला दादा फोन किए थे, प्रेम व्यापारी की होवे, प्रेम व्यापारी कथाटा अपनी बोलूं, अरे हमें की बोलबो, किच्छु होवे ना दादा, एखाने प्रेम व्यापार तो किच्छु होवे ना, मंगल बसे छे एखाने, और मंगल दंगल करवे, प्रेम करते देवे ना, प्रेम करते जावि ना तुम, एकदम मार खाबी यार, किच्छु खाबी ना, ठीक है जे, होवे ना दादा होवे ना। बंगला दादा बोलते तो बंगला बोलते बोलबो, बंगला बोलते पारबो ना, कि बोलले बंगला बोलबो, बंगला बुझते पारिन। हाँ ठीक, अब बिहार से क्वेश्चन आया तो भोजपुरी बोलना पड़ेगा, बंगाल से तो उड़िया वाले बोलते उड़िया रे कोई भी ना, कूट रे कोई उड़िया रे कोई भी।
झारखंड वाला है तो सादरी में कहूं नहीं, और केकरा भाषा में कहूं, सादरी में कहूं तो सादरी से सुननी भाई, तो समझ में आ रहा है। इंग्लैंड वाले बोले तो यस आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, ओके। मजाक है, डोंट आप दिखा रहे हो का बहुत भाषा जानते हो। अरे महाराज ऐसा ना समझो प्रभु। चलिए तो प्रेम का व्यापार भूल जाओ, और आज जो फोन किए थे उनको भी कह दू मकरू वाले ये ना रिक्स नहीं, भाग गई तो भाग गई क्या प्रॉब्लम है। देखो लड़की भाग गई ना तो पीछे नहीं जाना, लेकिन जो मकरू के लड़की लोग हैं आपको कहते हैं भाग गई तो पीछे और दौड़ो, काहे रुक जाए, आप उसको रोक दोगे रुक जाए। लड़की भाग गई तो ये समझना कि पहले से भागी हुई है, अभी खाली शरीर जा रहा है, नहीं समझे। मजबूरी दिल पे ना हो तो पास आती नहीं। अच्छा महाराज गानों में जानते हो? बोले का ना जानते हैं प्रभु, तो मजबूरी हो तो आएगी, मजबूरी नहीं है तो भागेगी, भागने दो, अभी उसमें मत रखो, अभी तुम्हारा इसका फट रहा है इसको संभालो। ये प्रेम बेपारे होबे ना किचू होबे हो, एखने को तो चेष्टा कर ले भी होबे ना दादा, जमने हमें बोलना ना ये तुम्हारे कैरियर जमने हो वही प्रेम बेपार एखने नय। अच्छा ठीक है, आर की दाम्पत्य जीवन के कैसे रहेगा दाम्पत्य जीवन? बढ़िया, उसका चिंता नहीं है। बोले क्यों? बोला गुरु का दृष्टि आ रहा है ना, वो तो अप्रैल तक आएगा, उसके बाद केंद्र में आ जाएगा। ओहो सब क्लोज रखे हो। अच्छा इसे केंद्र में आ जाएगा, यह शनि से ऑस्पेक्ट हट जाएगा। ओह हाँ, एक महीना मंगल यहाँ पहुंचेगा, वो टाइम थोड़ा झमेला झंझट रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 45 डेज, उसके बाद वो क्रॉस ओवर कर जाएगा, वो टाइम थोड़ा सावधान रहना, वो राशिफल में पता चल जाएगा आपको, लेकिन बाकी ओवरऑल यहां से और प्रॉब्लम चलेगा, एकदम धड़ल्ले से चलेगा। और यहां जैसे अभी कॉल आया था, डाउट है, शंका है, किसी और के साथ है, यहां दिमाग खुलेगा, सब सच पर्दाफाश हो जाएगा, डोंट वरी। आप टेंशन, आपका टेंशन भी दूर हो जाएगा। सर यू आर सुपर इंजीनियर एंड समथिंग आप बोल रहे थे, जीएमएम कुछ हो बड़े किसी फैक्ट्री कंपनी का, तो डोंट वरी, ये आपका दिमाग साफ हो जाएगा, इस टेंशन से उभर जाओगे पक्का, और यही मौका रहेगा। हाँ हालांकि गुरु का एस्पेक्ट यहां जा रहा है, लेकिन शनि का भी जा रहा है, ये शनि इधर जाते जाते ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। सर आपका भाग्य कैसा रहेगा? गुरु देख रहा है, कह रहा है ना भाग्य के घर में, तो भाग्य बम बम कब तक अपील, फिर वही त्रिकोण गिनो यहां से, ठीक है। हाँ थोड़ा वो टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लेमेबल रहेगा, लेकिन उतना नहीं, 2023 तक का अगर आगे पीछे सारे प्लान तो घूमते घूमते रहेंगे ना, लेकिन शनि यहां संभाल रहा है, सेकंड में रहेंगे, ठीक है। आगे आगे जीव जीव जाएगा यहां से, फिर 1, 2, 3, 4, 5 में आ जाएगा, इस समय से थोड़ा सा नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन यहां से फिर ठीक आ जाएगा। तो 2023 तक ये बीच वाला मिड सेक्शन, यहां जब राहु और गुरु का कंजक्शन होगा, गुरु चांडल लगेगा, वो टाइम पीरियड थोड़ा सा, मैं शुरू से ही बोला कि वो टाइम पीरियड थोड़ा सा हर चीज के लिए रहेगा ही। तो अब तो 23 शनि से आपको सुभता ही मिल रहा है, भाग्य से लेके आपके ये करियर नवंबर के बाद अप टू 23 नॉन स्टॉप चलेगा, 23 के आगे भी चलेगा, आगे का भी देखोगे, यहां सेकंड के बाद थर्ड आएगा तो बम बम आके चले जाएगा, कहना नहीं है। लाभ यहां मकर राशि वालों का लाभ मंगल, ये डिपेंड करेगा इसका रनिंग के ऊपर। अभी जैसे ये नीच हो जाएगा, यहां नीच भंगता के लिए यहां एनर्जी नहीं आ रहा है, 45 डेज रहेगा प्रॉब्लम, बाकी नेचुरली इसके पावर से यहां तो आपको मिलेगा ही। यहां 9 भाग का बताया, अब सीधा बात करते हैं शनि का दृष्टि क्या करेगा, क्योंकि जहां रहेगा उसको तो बढ़ाएगा, जहां देखेगा उसको स्पॉइल करेगा। यहां नित दृष्टि में देखेगा मंगल का घर को देखेगा, इसका नक्षत्रपन भी बहुत बढ़िया नहीं निकलता है, तो भूमि भवन वाहन और मां का स्वास्थ्य के लिए सावधान होना चाहिए। अप टू 23 पूरा 23 से 25 तो यहां दृष्टि जाएगा ही, नीच दृष्टि संभालना चाहिए इसको। मां का स्वास्थ्य, जमीनी झमेला झंझट झगड़ा होगा, लेकिन बचाएगा भी,
लिटिगेशन में फंसे होगे तो निकालेगा भी, लिटिगेशन होगा। शनि पकड़ लो जिसका छठा में हो तो है तो बढ़ाएगा, उसके बाद विनाश करेगा। फिर नक्षत्रफल का इधर हिसाब निकालना है कि यहां पर जैसे जैसे नक्षत्र पे जाएगा तो वैसे यहां यहां भी उस प्रकार का रिजल्ट में चेंजेस आ जाएगा। मैं बता दूंगा इसका नक्षत्रफल पूरा डिटेल करके बता दूंगा, भूमि भवन वाहन का, और उसका टेंशन नहीं, वो टाइम आने दो, अभी तो आया नहीं। उसका नेक्स्ट दृष्टि कहां जाएगा, यहां से सीधा जाएगा आपके अष्टम स्थान पे, अकल चोर चपेट एक्सीडेंट, सावधानी से गाड़ी चलाना बहुत जरूरी है मकर राशि वालों के लिए। चोरी का संभावना भी बढ़ा देता है इस समय, लेकिन अकल्ट में नेगेटिव अकल्ट साइंस तंत्र मंत्र इत्यादि में प्रोग्रेस देता है, ये टाइम है इस विद्या को सीखने के लिए, बुरा नहीं, सीख सकते हो। जैसे यहां बोला कि बढ़ाएगा भी देगा भी लेकिन झमेला खड़ा कर सकता है, विभिन्न जरूरत पड़ा तो आप कुछ जो नहीं बेच पा रहे हो बेच सकते हो, अब तक जो बेचते बेचते बोले नहीं बोल रहे थे इस समय बेचवा देगा, तोड़ेंगे बोल के तोड़ेंगे, रिनोवेशन करेंगे बोलेंगे रिनोवेशन करोगे नहीं करोगे बाद में, लेकिन तोड़वा देगा। गाड़ी पुराना हो गया नया लेंगे लेंगे बोल रहे हो नहीं ले पा रहे हो, यहां जहां घुसा ले लोगे, ठीक है। जमीन बेचना नहीं हो रहा था बिक जाएगा, घर तोड़वा देगा बनाएगा डीले में, उस पर फिर उस नक्षत्र चाहिए, अच्छा नक्षत्र चाहिए उसके लिए। यहां जब धनिष्ठा तो मंगल का नक्षत्र है, थोड़ा ना मंगल का थोड़ा सा उसका पटरी नहीं खाता है, यहां पर आ जाएगा। हतविशा में राहु का तो अपना ही नौकर का है, एकदम बमवाएगा वहां से। उसके बाद यहां से सीधा दशम दृष्टि आ जाएगा, कहां पर आपका एकादश से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, लाभ के घर में, बड़े भाई के घर में, उत्तरोत्तर बलिक्रम के घर में, क्या है शत्रु या मित्र, शत्रु दृष्टि है। कोई परमानेंट बड़ा प्लैनेट है क्या, नहीं है। यहां का नक्षत्र पद कैसा चलता है इसके लिए देख लो, गुरु का शनि का और ज्येष्ठा का तो अपने नक्षत्र पद भी है, तो उनको यहां से ये जैसे जैसे नक्षत्र आगे चेंज करेगा तो इसमें चेंजेस आएंगे। तो यहां ये अभी धनिष्ठा में चित्रा में चल रहा है तो गिनती कर लो वही सेम जो यहां भी निकाला है सर 50-50, और यहां से जब आ जाएगा मतलब सतविशा में जब आ जाएगा तो जन्म संपद विपद क्षमा तो डबल डबल अच्छा मिला, ठीक है, तो अच्छा कर रहा है। लाभ का क्षेत्र में भी नक्षत्र फल में भी जितना इंगित कर दिया, आगे आगे तो नक्षत्र फल में और डिटेल करेंगे ही, आगे आगे और इसको विस्तार कर देंगे। तो 2023 मकर राशि, और इस बात को भी आप अच्छा से समझ गए, यानी नवंबर के बाद 2025 तक कैरियर डेवलपमेंट देगा देगा ही देगा, ठीक है। और कहा नहीं, फिर 23 के बाद 24 के बाद 25 में जब गुरु यहां, आप तो षडाष्टक बोल रहे थे मंगल के जा में गुरु आएगा, हाँ आएगा बहुत पकड़ अच्छा पकड़ते हो यार हमको कोई बात नहीं है, ठीक है, यहां आ जाएगा अष्टम का गुरु, अच्छा फल भी देता है, लेकिन अष्टम षष्टक षष्ठ का गुरु उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है। अष्टम का गुरु का दृष्टि पंचम में आ जाएगा, आप लग्न से, आपके लग्न से यहां मकर लग्न से, मतलब इसका इससे बात कर रहे हो ना, ये करियर का हाउस से बोल रहे हो, यहां से नहीं कह रहा हूं, यहां से ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस आ गया पंचम में, सॉरी नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ चतुर्थ में आ गया, अच्छा हुआ। इसका एक दो तीन चार पांच पंचम दृष्टि इसका करियर का हाउस का और आपका भाग्य स्थान पे आया, तो भाग्य सपोर्ट दे दिया। तो अभी अभी कह रहा हूं मकर राशि वालों के लिए, कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैं समझ रहा हूं बात पेचीदा है, आपको समझने में थोड़ा कष्ट होगा। फिर यहां अष्टम से एक दो, अष्टम से एक दो तीन चार पांच छ सात सप्तम दृष्टि में लाभ के घर में आएगा, तो लाभ को भी बम बम आएगा, तो कहां खराब होने वाला है, खराब वहां नहीं देगा गुरु का छठा में, ज्यादा समस्या अष्टम में है उतना ज्यादा नहीं। तो ये आपका मकर राशि वालों के लिए 2023 से 2025 तक अप टू 25
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूज नहीं होगे। नहीं समझ में आया तो एक दो बार और देख लेना, ताकि जो जो लोग के दिमाग में भय भ्रम भल भय भ्रम भूल भटकाव भूत बकवा बना हुआ है, यहां से क्लियर हो जाएगा। यानी यहां मैं एक भी शब्द नेगेटिव नहीं बोला, मैं ये बोल रहा हूं मिलेगा, लेकिन आपको पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों को लगा के करना है, आपके नेगेटिव ऊर्जा को घटाना और पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना है। इतना ही पूरा वीडियो का क्रीम है, और उसके लिए क्या क्या करना रेमेडी में बता दिया, उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, यहां अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि मेरे को यहां शनि का साढ़े साती का आखिर डाया सब बमबमा के देगा, हम पूरा झोला पकड़ के ऐसे खड़े रहेंगे और डाल देगा, फूल कर देगा, नहीं। बाधा धोखा यहां भी मिलेगा, कष्ट यहां भी मिलेगा, और इन सबसे ज्यादा मिलेगा अंदर वाला, अंदर का मार्स बाहर सुनाई नहीं देगा। यहां से यानी मकर और धनु का मार तो सुनाई दिया, बाहर वालों को दिखाई दिया, बोल तो पा रहे हो ना बोल तो पा रहे हो, यहां बोल भी नहीं पाओगे। लेकिन दर्द यहां 100% था शुरुआती साढ़े साती में, यहां आके किसका 50 रहा किसका 75 रहा, तो माइनस हो के यहां पर भी बाधा विघ्न कष्ट पीड़ा दुख सुख धोखा झमेला झंझट सब रहेगा, 25% रहेगा जरूर। साढ़े साती छोड़ के नहीं भाग जाएगा, दूसरा में है और हम बोल दिए कि आपको सब एकदम बमबमाएगा, आखिरी में सब दे के जाएगा, देगा जरूर, लेकिन ये 25% का 75% का कमी रहेगा और 25% का रहेगा वो बाधा विघ्न कष्ट दुख। कहां से रहेगा? यहां से रहेगा। क्यों? यहां विपद जोन भी आ रहा है, इसलिए बार बार कह रहा हूं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना। यहां बहुत बार ठगेगा भी आपको, ऐसा फील करवाएगा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं चलो, और जहां गए तो गड्ढा में धड़ाम, आपको यहां लगेगा कि और कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे थे वैसे, मतलब वो बताना पड़ेगा। अच्छा सुनो, कह रहे हैं जैसे कल तक जा रहे थे डेस्कबाजी करने ठीक है, हाँ वही गाड़ी लेके बढ़िया है कर रहे थे, मार खाए तो छोड़ दिए थे, अभी ऐसा फील वही करवाएगा, फिर जाओगे फिर धुल धुल लगेगा ठीक है, पकड़ लो कोई पुलिस था वो बट्टी खा रहा था, अब तो सुधर गया था, अभी यहां जाके बोले अब का होगा, तो खत्म ही नहीं हो गया, जहां खाया बेटा सीबीआई लिया और सीधा घुसेड़ दिया ठीक है। यहां आपको लगेगा कि हाँ ऐसा अनुभव होगा, अब कोई 38.5 नहीं है, पैसा आ गया पॉकेटवा में, मान सम्मान भी मिल गया, ये फील होगा, लोग आकर बुलाएंगे पंडित जी प्रणाम कैसे हैं, आपको कहेंगे मेरे को नहीं ठीक है, आइए चाय पीजिए आइए बैठिए, अरे हमको पता नहीं था आप तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ये सब बात कहना छोड़िए, आपको लगा कि ठीक हो गया, लेकिन आपसे बात निकाल लिया बेटा, आपको ओवर कॉन्फिडेंस पे लोग डालेंगे, आपका ऊर्जा ऐसा बनेगा। धनु का शनि में जब साढ़े साती शुरू हुआ तो आप कुत्ता बन के मुंह लटका के घूम रहे थे, मेंटल डिप्रेशन पे यहां पर दिया था, यहां आपको ऐसा उछाल के फुलाएगा कि आपको लगेगा हम ही हम कोई नहीं, यम है हम, हिम क्रिम खाएंगे ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा के ठोक देगा, बिकॉज फॉर दिस मुंह नहीं खोलना, किसी को अपना नहीं समझना, यहां धोखा इसीलिए दिया है कि पालतू कुत्ता को भी अपना नहीं समझना, तो यहां भी नहीं समझो, समझ के अगर अच्छा, मकर वालों का दुर्गुण यही रहता है, खाते धोखा फिर भी माफ कर देते हैं, फिर आ जाते हैं सहायता करने, चलो कोनो बात नहीं, दोस्तवा ना था दोस्ती ये था तो क्या हो गया, अरे हमारा लवरी है रे, गलती से धोखा उका दे दिया, अब चलो गया तो उठा देगी फोटो छोड़ देगी फेसबुकवा में, रोते रहना बेटा फोटो पकड़ पकड़ के, पकड़े रहना ठीक है, तो बच के रहना यहां, समझे तो नहीं कह रहे हैं, ज्यादा समझिए, ज्यादा नहीं है इतना लंबा, तो दूसरा के लिए नहीं मकरुआ के लिए बन रहे हैं, अरे मकरू समझे कि ना, तो इसको ऐसा कभी नहीं समझना, लेकिन यहां समझाएगा आपको, फील करवाएगा कि आप सब ठीक हो गए, गाड़ी 100 में चलाते हैं आ गया बेटा 7000 का चीज ओवर स्पीड
ठीक है। हाँ ये सब, ये सब हो गए हैं सभी, छोटा बताया, आप उसको विस्तार कर लीजिए, विस्तार कर लीजिए। तो पॉजिटिव तो बहुत होगा, नेगेटिव कम होगा, लेकिन वो नेगेटिव भारी पड़ेगा अगर आप ढीला मारें। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो गया पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं। और इसलिए बना रहा हूँ कि कुंडली उंडली का चक्कर में अब मत पड़ो, बिना दोष का बिना चीज का कुंडली उंडली मत दिखाओ। ठीक आ रहा है मकर राशि वालों का, ठीक आ रहा है, हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। बाकी फील्ड सब है, जो पीड़ित है ये करियर वाला पीड़ित है, इसका रेमेडी कर दोगे रिजल्ट मिल जाएगा। और लभरा लभरी का अभी चक्कर में मत पड़ो, ये कह रहे ना कि केमन होबे प्रेम व्यापारटा होबे ना दादा बोललाम ना आमी होबे ना মঙ্গলের কিছু না না আপনি বলছিলাম না ও মঙ্গল কিছু রোমেডি রোমেডি করতে হবে রোমেডি তুমি করো ওই বাঙালি বাঙাল থাকে বৈঠে বসে ওইখানে করো এখানে হবে না মঙ্গল বকরি হোক দঙ্গল কর রা পাগল হো চুকা উদাস বেঠ কে বলতে প্যার করেন ঠিক আছে ঠিক আছে ইসকো আগর লগ্ন বনা জেসে মে ইসকো লগ্ন বনা কে ইসকো ফলিত কিয়া আগর ইসকো লগ্ন বনা কে ফলিত করুঙ্গা তো ভি সমঝ মে আয়েগা ইয়ে লম্বা বিষয় হো জায়েগা আবি ছোড় রা হুঁ क्यों अभी नहीं जाना, मंगल जब तक यहाँ है इससे बाकी प्लैनेट्स का क्या क्या कंडीशन बन रहा है जिसके लिए आपके लिए हानि करेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा का फील्ड क्रिएट हो रहा है अभी पंचम का स्थान से मकर से यहाँ, तो यहाँ अगर जो लोग ना समझी करके जाएगा, चलो आप नहीं समझा मार्च के बाद वीडियो देखेगा ना कोई मेरा, तब कहेगा पंडित जी सही कह रहे थे आप, नहीं समझ पाए। नहीं मंगल हुआ तो धोखा का नहीं है, धोखा नहीं ठोका ही का है, धोखा ही का करेगा ठीक है, ऑपरेशन कर देगा, देखते रहना वहां, तो नहीं सावधान। ठीक है, चलिए नमस्कार।